हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बैंगन की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डला है वो मैं साथ बताते हुए चलूँगी। जैसे वीडियो बनेगी वैसे साथ साथ मैं बताते हुए चलूँगी। हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने बड़ा चम्मच तेल गर्म कर लिया। तेल तेज गर्म होना चाहिए। जैसे हमारा तेल गर्म होगा हम इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा चटकेगा, वैसे हम डाल देंगे इसमें प्याज और प्याज को अच्छे से भूनेंगे। मैंने यहाँ पे 3 प्याज लिए हैं और उसको इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। और जैसे प्याज डालने के बाद हम इसको चलाएंगे, तेल में अच्छे से चलाएंगे। और जब तक हमारी प्याज भून रही है हम और तैयारी कर लेते हैं। इस तरह से हम प्याज को चलाते हुए भूनेंगे। प्याज हमें एकदम लाल चाहिए। जब तक हमारी प्याज भून रही है हम टमाटर काट लेते हैं। टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज के लिए हैं और 3 मैंने हरी मिर्ची ली हैं। इनको हम फाइनली चॉप कर लेंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप छोटे बड़े पीसेस कैसे भी कट कर सकते हैं। मीडियम साइज से ही कट करना आप इनको। अब हम इसको चलाएंगे। जब तक हमारी प्याज लाल नहीं हो जाती तब तक हम इनको भूनेंगे। जैसे ही हमारी प्याज लाल होगी हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारी प्याज लाल हो चुकी है। अब इसमें हरी मिर्च और टमाटर दोनों चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम चलाएंगे इसको। और इसको ढककर हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इतनी देर में हमारे टमाटर गल जाएंगे। टमाटर को हमें मैश होने तक गलाना है। और जब तक हमारे टमाटर पक रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 2 बैंगन लिए हैं, उनको तेल से ग्रीस कर लिया था और गैस को तेज आग पर चलाकर उस पर मैंने इसको भून लिया था। और एक बर्तन में मैंने पानी लिया और उस पानी में मैंने इन बैंगनों को डाल दिया था। इससे क्या होता है, हमारा जो बैंगन का छिलका होता है ना वो बहुत जल्दी उतर जाता है। और तेल लगाने से जो इनका छिलका होता है वो जलता नहीं है और बिल्कुल भी जले की या कैसी भी कोई भी स्मेल नहीं आती है। छिलका उतारने के बाद इनको हल्के हल्के हाथ से दबाते हुए इनका पानी हम निचोड़ लेंगे। उससे क्या, कच्चापन जो होता है ना वो एकदम ख़त्म हो जाता है और हमारा जो भरता बनेगा वो बिल्कुल भी पानी जैसा नहीं बनेगा। और मसाले में मैंने 1/4 चम्मच हल्दी ली है, 1/4 चम्मच मैंने लिया इसमें गरम मसाला, 1.5 चम्मच धनिया लिया है और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और लहसुन मैंने इसमें पीस रखा है। इन सबको डालकर और हम पानी में इनको भिगो देंगे। और इसी में मैंने नमक भी डाल रखा है। जब तक हमारे टमाटर भुन रहे हैं तब तक देखिए, आप देख सकते हैं हमारे टमाटर पक चुके हैं। अब इस तरह से चम्मच से हम इसको चलाएंगे और इसको दबाते हुए हम इसको मैश कर देंगे। जैसे ही हमारे टमाटर भुन चुके हैं अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने मसाला भिगो कर रखा हुआ था ना, वो मसाला इसमें डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे। और जब तक हमारा ये मसाला भुनेगा हम अपने बैंगन की तैयारी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बैंगन का जो डंठल है हम उसको अलग कर देंगे, इसके ये जो गूदा है उसे अलग कर देंगे और डंठल में हम 2 कट लगा देंगे। इस तरह से डंठल को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम पकाएंगे इसी में। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है और बैंगन के अंदर ये डंठल ही बहुत ही टेस्टी पार्ट होता है इसका। और इस तरह से हम बैंगन के इसको पार्ट को कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। इसी तरह से दोनों बैंगनों को मैंने काट लूंगी और मसाले को चलाते हुए हम भूनेंगे। आप देख सकते हैं मेरा मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब जो हमने बैंगन को मैश कर लिया था, कट कर लिया था, उसको हम इसमें डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से हम मसाले में इसको मिक्स करते हुए चलाएंगे, सॉरी चलाते हुए मिक्स करेंगे। इस चम्मच से चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं दूसरी चम्मच ले लूँगी। आप पलटा बोलते हैं कुछ भी, जिससे आप कंफर्टेबल हो उससे आप चला सकते हैं। और इसको जब तक हमारा ये बैंगन में मसाला अच्छे से नहीं मिक्स हो जाता तब तक हमें इस चलाते हुए रहेंगे इसको। और इसी के बीच में हम नमक मिर्च चेक कर लेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसी नई नई डिशेज लेकर आती रहती हूँ। नमक मिर्च चख लेंगे और हम इसमें अगर कम होगा तो और डाल देंगे। और इसको ढक कर के 7 से 8 मिनट स्लो गैस पर हम इसको पकाएंगे। गैस को हम कम कर लेंगे
लगभग 8 मिनट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है हमारा बैंगन। यकीन मानिएगा भरता तो आपने बहुत दफे खाया होगा, लेकिन इस तरह से बनाकर जब आप खाएंगे ना, ये इतना जल्दी बनता है और बिल्कुल भी इसमें बनाने में झंझट नहीं है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको बनाएंगे तो बाकी के सारे तरीके भूल जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैंगन बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और इसका कच्चापन जो होता है ना, वो एकदम खत्म हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। अब हम इसको डिसआउट कर लेते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप इसको पहले बनाइए, खाइए, उसके बाद वापस से कमेंट कीजिएगा चैनल पर आकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।